गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरेज। आज हम लोग देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। इसके साथ ही हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एरेज का बेटर यूज़ करना है किसी कंडीशन में या फिर लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का आपको यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द स्टैक। So let's get started. So before proceeding further, I would like to tell you something very important. अगर आप student हैं या फिर working professional हैं जो कि great career देख रहे हैं software development में, तो आप कुछ aspects के बारे में सोचते होंगे कि क्या trending है market में, क्या industry में trending है, किस तरह के interviews में questions पूछे जाते हैं, क्या thought process है you know behind the great applications like Google, Amazon and how to improve your CodeChef ranking. तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो Unacademy आपको ऐसा platform provide कर रहा है जहां पर आपको मिलेंगे होस्ट जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में लाइक गूगल, अमेज़न। दे विल टॉक यू थ्रू देयर ओन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल गेस्ट लाइक एचआर इंडस्ट्री लीडर्स टू टॉप कंपनीज वेयर दे विल आस्क क्वेश्चंस रेज्ड बाय यू। Not only this, you can participate in mock interviews and learn courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto tech aspects of digital marketing, data analysis. ऐसा ही एक शो मैं लेके आ रही हूँ लाइव, जिसमें कि I'll talk with the employees of different big tech companies who have made it big despite their starting. So you can say it a differentiator जो कि आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है इसके लिए, आपको ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लॉग इन पर जाइए, अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर करेंगे, आपके पास आएगा एक OTP, यू जस्ट हैव टू एंटर द OTP। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो उसमें आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। 12 मंथ का कोर्स 999 का है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यानी कि दीपाली10 यूज़ करते हैं तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% और ये आपको मिलेगा जस्ट 899 में। सो ऑल द बेस्ट। लास्ट वीडियो हमारी जिसमें हमने इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे देखा था, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने यूजिंग लिंक्ड लिस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो ये बनाया है। तो एक एक करके इनके ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडरफ्लो कंडीशन की। तो अंडरफ्लो कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो स्टैक है हमारा अगर उसमें कोई भी आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस वो कंडीशन क्या कहलाती है, अंडरफ्लो कंडीशन। और अंडरफ्लो कंडीशन हम किस केस में यूज़ करते हैं, किस केस में इसको चेक करते हैं, जब हमें किसी आइटम को पॉप करवाना होता है स्टैक से, क्योंकि हम लोग एक एरर या फिर एक्सेप्शन नहीं चाहते हैं कि अगर हो कि भाई स्टैक में कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता नहीं है एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू डिलीट समथिंग। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करते हैं और अगर आइटम वहाँ पर नहीं है तो हम लोग जस्ट एक स्टेटमेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ पर दे देते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस केस में अंडरफ्लो कंडीशन कैसे बताएंगे। तो देखो, इस जो लिंक लिस्ट है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान है आप लोगों को, हम लोग पढ़ चुके हैं लिंक लिस्ट का, अगर आप नहीं भूले हैं अभी तक। तो ये क्या होता था, हमारा हेड होता था या ये हमारे हो गए आइटम्स, और ये वाला सेक्शन कौन सा हो जाता है, हमारा एड्रेस सेक्शन हो जाता है, कुछ इसी तरीके से हमारा लिंक लिस्ट होता था, राइट। तो सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि आपको स्टैक यूजिंग डबली लिंक लिस्ट बनाने के लिए बोला जाए। तो कोई आई गेस आप लोगों को, अगर आप लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब अंडरफ्लो कंडीशन अगर मुझे चेक करनी है, अंडरफ्लो कंडीशन मीन्स कि अभी लिंक लिस्ट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स स्टैक में अभी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल। इसका क्या मीनिंग है कि लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट मीन्स कि स्टैक में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट या फिर SOP अंडरफ्लो कंडीशन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो की बात करते हैं। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि भाई स्टैक की जो लिमिट थी वो फुलफिल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जब हमने स्टैक यूजिंग एरे देखा था तो अगर हमने एरे का साइज 10 दिया है तो अगर 10 एलिमेंट्स इस स्टैक में आ चुके हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाती थी हमारी, ओवरफ्लो कंडीशन, कि भाई अब नेक्स्ट एलिमेंट या 11th एलिमेंट वहाँ पर इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। बट ये लिमिट जो है, लेंथ की जो लिमिट है, वो तो एरे का कॉन्स्टेंट है, लिंक लिस्ट में तो ऐसा कोई कॉन्स्टेंट होता ही नहीं है, आप कितने भी एलिमेंट्स को वहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। तो यानी कि अगर आप स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रही हैं तो वहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, अकर नहीं होती है, बस एक केस में हो सकती है। वो केस क्या है कि भाई मेमोरी में ही स्पेस नहीं बचा है एक नया नोड क्रिएट करने का। तो ऐसी कंडीशंस अब हमारे पास अकर नहीं होती हैं,
क्योंकि हमारे पास अब लॉट्स ऑफ मेमोरी, लॉट्स ऑफ स्पेस अवेलेबल है बहुत ही कम कॉस्ट पर, तो इसलिए हम स्टैक में अगर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, तो वहाँ पर हम ओवरफ्लो कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, कोई इसका बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ओवरफ्लो कंडीशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट के केस में केवल कब अकर होगी, जब मेमोरी में ही स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट को, लिंक्ड लिस्ट का साइज आपको प्रीडिफाइन नहीं करना पड़ता, इसके साथ कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है लिंक्ड लिस्ट का, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन का यूजिंग लिंक्ड लिस्ट ओवर एरे, कि आपको इसका साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पुश की अगर हम लोग बात करते हैं, पुश का मतलब क्या है कि आपको डेटा को इंसर्ट करवाना है लिंक्ड लिस्ट में। तो अब देखो भाई, लिंक्ड लिस्ट ये है हमारी, ठीक है, मान लीजिए कि 10, 20, 30 ये तीन आइटम्स हैं स्टैक में। अब आपको एक और आइटम 40 बोला जाता है कि आपको स्टैक में इंसर्ट करवाना है, तो बात आती है कि उसको आप लिंक्ड लिस्ट की स्टार्टिंग में ऐड करवाओगे, एट दी एंड ऐड करवाओगे, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर करवाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो देखो, स्पेसिफिक लोकेशन पर तो पॉसिबल है नहीं, सेंटर में, मिडल में तो कहीं जाना नहीं है। एंड की बात आती है, तो एंड अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंटर होता इसको पॉइंट आउट करने के लिए लास्ट वाले को, तो हम हो सकता था कि एंड में भी इंसर्ट करवा सकते थे, बट एंड में हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉइंटर नहीं है। हमारे पास पॉइंटर कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, हेड। तो अगर मैं इस हेड को नाम दे देती हूँ टॉप, हेड की बजाय अगर हम इसे किससे रेफर करें, टॉप से। टॉप किसको पॉइंट आउट करता है स्टैक के केस में, हमेशा एक ऐसे एलिमेंट को जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया है। तो अगर मुझे 40 को इंसर्ट करने को कहा जाता है इस लिंक लिस्ट में या फिर इस स्टैक में, तो अगर मैं इसको इंसर्ट करवाती हूँ यहाँ पर लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में, तो टॉप किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसी आइटम को जो कि सबसे लास्ट में गया है। तो यानी कि अगर आप स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों को जस्ट क्या करना है, इंसर्शन एट द बिगनिंग करवाना है लिंक लिस्ट की, बस। और अगर आपको इंसर्शन एट द बिगनिंग आता है, सबसे ईजी था, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर वो चीज़ आती है आपको, तो भाई आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस दिमाग में ही आपको एक बार एक वो इमेज आ जाएगी कि भाई जब मुझे स्टैक किसी भी लिंक लिस्ट में एट द बिगनिंग कोई भी नोट इंसर्ट करना होता, तो वो 2-3 लाइन लिखनी होती थी, बस खत्म। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ लोगे, तो आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर्स आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं पॉप की। पॉप यानी कि आइटम को डिलीट करना है, तो आइटम फिर से डिलीट कहाँ से होगा, टॉप से। टॉप जिसको पॉइंट आउट कर रहा है या फिर जो सबसे लास्ट में गया है एलिमेंट। तो अब हम जो भी नए एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं, लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीशन भी फ्रॉम द बिगनिंग ही करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, अभी इनिशियली क्या है, इनिशियली तो क्या होगा, टॉप की वैल्यू नल होगी। अब कोई एक वैल्यू आई 10, तो उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाया। ठीक है, एक नया वैल्यू आया अब 20, ठीक है, कि 20 को इंसर्ट करवाना है, तो टॉप किसको पॉइंट आउट करेगा, नए वाले आइटम को ना, जो सबसे लास्ट में जा रहा है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, ये 20 जो है उसको हम लोग अब इंसर्ट करवाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो जो 20 है वो इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बन जाएगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो नोड सबसे लास्ट में, जो आइटम सबसे लास्ट में इस स्टैक में इंसर्ट करवाया गया है, तो टॉप उसी को ही यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। अब कहा जाता है इसे कि 30 को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, टॉप हम इंसर्शन एट द बिगनिंग करवाएंगे, तो टॉप 30 को पॉइंट आउट करेगा, और जो 30 है वो आपका क्या बन जाएगा, लास्ट आइटम टू बी इंसर्टेड, लास्ट आइटम इंसर्टेड एंड लिंक लिस्ट हो जाएगा, और टॉप इसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब अगर हम पॉप की बात करते हैं, तो पॉप हम कहाँ से करेंगे, अब इंसर्ट पॉप हमेशा टॉप से ही होता है, या फिर उस आइटम का होता है जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया है। सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट किया गया, ये वाला 30, तो हम इसी को डिलीट करेंगे। तो यानी कि इंसर्शन कहाँ पर, जो इंसर्शन होना है एट द बिगनिंग ही होना है, और जो डिलीशन होना है वो भी फ्रॉम द बिगनिंग ही होना है इन केस ऑफ स्टैक, कोई और ऑप्शन देखना ही नहीं है। और अब बात अगर हम करते हैं डिस्प्ले की, तो जस्ट आपको क्या करना है, जैसे कि अभी तक हम लिंक लिस्ट में देखा था हमने कि ट्रैवर्स करके जाते थे एक पॉइंटर लेके फर्स्ट नोट से लेके लास्ट तक, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लगानी है। जल्दी से हम लोग अभी से करते हैं इम्प्लीमेंट एक्लिप्स में। सो ये आ गई हैं हम लोग Eclipse IDE पर। तो स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के लिए ये वाली एक फाइल मैंने ब्लैंक बना ली है, और ये है स्टैक यूजिंग एरे वाला प्रोग्राम। तो देखिए, जो मेन मेथड है वो हम यहाँ पर सेम ही बनाएंगे। हम लोग यूज़र से बार बार उसको चॉइस देंगे कि डू यू वांट टू इंसर्ट पुश द आइटम, पॉप द आइटम, डिस्प्ले द आइटम। ठीक है, तो ये मैं एज इट इज़ यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, और इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं जस्ट पेस्ट।
पेस्ट यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सेम हो गया एज इट इज़। अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पर मैंने जस्ट क्या किया है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था जब हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया था यूजिंग एरे, जस्ट क्या किया देखो एक ऊपर अभी मैं क्लास बनाऊंगी स्टैक के नाम से। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर चॉइस दी है डू वाइल लूप में कि प्रेस 1 टू पुश दी आइटम, 2 टू पॉप दी आइटम एंड 3 टू डिस्प्ले दी आइटम एंड चॉइस एंटर करवाई है। केस 1 में हमने पुश फंक्शन को कॉल किया है, पॉप को एंड देन डिस्प्ले फंक्शन को। और यहाँ पर जस्ट हमने कुछ स्टेटमेंट पास करवाएंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू देन प्रेस 0 अदरवाइज प्रेस एनी की, ठीक है। तो अब हम मेन जॉब हमारी बात आती है वो आती है स्टैक क्लास की, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास स्टैक, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं कैसे, यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यानी कि हमें जो हमने लिंक लिस्ट हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा एक हमने क्लास बनाई थी, कंस्ट्रक्टर बनाया था नोड के नाम से, अगर आपको ध्यान है कि स्टैटिक हमने क्लास बनाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हमारे पास लिंक लिस्ट नाम से ये वाला फोल्डर है और ये सिंगल लिस्ट ये है दिस वन। आपको अगर ये वाला प्रोग्राम ध्यान है तो ये प्रोग्राम हमने कब बनाया था, जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन प्रोग्राम देखा था, राइट। तो ये देखिए क्लास है जिसमें मैंने स्टैटिक क्लास नोड बनाई है और उसके बाद ये क्रिएशन फंक्शन वाला एक प्रोग्राम है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टैटिक क्लास जो है इसी को यहाँ से पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ज़रा जितना काम कॉपी पेस्ट करके बन जाए अपने ही कोड से तो कर लेना चाहिए। तो स्टैटिक क्लास नोड यहाँ पर आ गई है, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड ही हमारे पास रहेगा इनिशियली, हेड इक्वल्स टू नल। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हेड के बजाय अब हम यहाँ पर इसको टॉप लेकर चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंटर, अब हेड के बजाय हम क्या लेकर चलेंगे, टॉप। ओके, अब देखिए क्रिएशन में हमने क्या किया है, एंटर डेटा नोड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इतना हम यहाँ से और कॉपी कर लेते हैं और ये हम लोग डालेंगे पुश फंक्शन में। तो अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ क्या, पुश फंक्शन यहाँ पर मैं बनाऊँगी, void पुश फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल वी, यहाँ पर जस्ट क्या किया, एंटर डेटा हमने लिया है और sc.nextend यहाँ पर हम लोग स्कैनर sc करवाएंगे, ठीक है। ये sc क्या है, ये देखिए यहाँ पर मेन मेथड में हमने स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, तो sc इसका रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसको हमने यहाँ पर पुश फंक्शन के थ्रू यहाँ से पास किया एज अ पैरामीटर। सो यहाँ पर अब जस्ट मैंने क्या क्रिएट किया है, एक न्यू नोड को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या, ओवरफ्लो कंडीशन तो यहाँ पर होती नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है अंडरफ्लो कंडीशन, हम वो भी पॉप में जाकर चेक करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू नल है, तो उस केस में हम लोगों को जस्ट क्या करना है, तो इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू नल है तो इन दैट केस हम लोगों को जस्ट क्या करना है, देखो देखिए अगर क्या है हमारे पास टॉप की वैल्यू नल है तो हम लोग को जस्ट क्या करना है, ये जो न्यू नोड है ठीक है इसमें नल है अभी और यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट किया जा चुका है, तो हम लोग को जस्ट क्या करना है, टॉप में हम लोग असाइन कर देंगे न्यू नोड का एड्रेस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जस्ट टॉप इज इक्वल्स टू न्यू नोड, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा लिंक कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये नल नहीं है यानी कि ऑलरेडी हमारे पास और एलिमेंट्स आ चुके हैं तो इन दैट केस हम लोगों को क्या करना है, देखो अगर ये 20 आया है, एक नया नोड आया है, एक और आपको आइटम यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, इस सेक्शन में कल का एड्रेस आएगा, ये वाला एड्रेस आएगा, तो इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, इस सेक्शन का नाम है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसमें किसका एड्रेस गया है, टॉप का एड्रेस गया है। एंड इसके अलावा अब टॉप में किसका एड्रेस जाएगा, न्यू नोड का एड्रेस हमारे यहाँ पर जाएगा, ठीक है। आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लाइन नंबर 22 अगर देखें तो टॉप इक्वल्स टू नल है, तो जस्ट हमने क्या किया, टॉप में न्यू नोड का एड्रेस दिया है, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अगर इसका एड्रेस 100 है तो ये कनेक्ट हो गया। अब हमें और आइटम को इंसर्ट करवाना है, तो लेट सपोज न्यू नोड हमारे पास ये है, तो अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लिंक उसमें स्टैक में कुछ डेटा है, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट यानी कि इस वाले फील्ड में किसका एड्रेस आया है, टॉप का, टॉप का वैल्यू कितना है, 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। जैसे ही यहाँ 100 आएगा ये वाला लिंक बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड किया है, तो यहाँ पर कितना एड्रेस आ जाएगा इस वाले नोड का, लेट सपोज 200 है तो 200 आ जाएगा, और ये वाला लिंक डिलीट होकर
हमारे पास ये वाला लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो 20 इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोट बन जाएगा और 10 सेकेंड नोट बन जाएगा। इस तरीके से जो भी आप न्यू नोट्स आएंगे वो बिगनिंग में, इस लिंक लिस्ट के बिगनिंग में ऐड होते जाएंगे, जिसको कि टॉप पॉइंट आउट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास पुश फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉप फंक्शन इक्वल्स टू नल। तो इन दैट केस जैसे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, और एल्स जस्ट हमें इस केस में क्या करना होगा, डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग करना है। डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग है, दैट मीन्स कितना गंदा गंदा मैं लिखती हूँ कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। ओहो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्टैक है, ये डिलीट होगा, फर्स्ट नोट डिलीट होगा इस लिंक लिस्ट से, तो टॉप इसको पॉइंट आउट करेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स में जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, खत्म, सॉरी हेड नहीं, टॉप, टॉप इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट, खत्म। अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की। वॉइड डिस्प्ले, तो जस्ट मुझे क्या करना है, इस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सबसे पहले हम लोग लेंगे पॉइंटर जो कि पॉइंट आउट कर रहा होगा टॉप को, एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक कि टॉप, सॉरी यस टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जस्ट क्या करेंगे, एस ओ पी टेम्प डॉट डेटा हम लोग प्रिंट करवाते रहेंगे, टेम्प डॉट डेटा, एंड इसके अलावा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। गाइज अगर आपने स्टैक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, बस आपको एक चीज़ का देखिए ध्यान रखना है, ये जो नोट क्लास है यहाँ पर ये यहीं पर क्लोज हो गई है, और इसके अलावा जो ये जितने भी हमने फंक्शंस बनाए हैं वो इस स्टैक क्लास का पार्ट है, ठीक है। ये स्टैटिक क्लास नोट क्या है, यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक इनर क्लास है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, इसको अब हम लोग करते हैं। ओके, क्लास नेम में यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, स्टैक वन अगर मैं इसको कर देती हूँ, ओके, और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो भी स्टैक वन के लिए होगा, क्योंकि एक्चुअली सेम पैकेज में स्टैक नाम से क्लास है, इसलिए दिक्कत आ रही है। कंट्रोल एफ 11, प्रेस वन टू पुश वन, एंटर डेटा 10, एंटर जीरो टू गो बैक टू मेन्यू, ओके अगेन पुश, तो एंटर, एंटर डेटा 20, एंटर प्रेस वन, एंटर डेटा 30, ठीक है। तो हम 10, 20, 30 यानी कि टॉप पर क्या है 30 एंड देन 20 एंड देन 10, ठीक है। अभी गो बैक टू मेन्यू, अब वो पूछ रहा है डिस्प्ले के लिए, तो 3 किया तो 30 20 10 हमारे पास देखिए आउटपुट में आ गया है। अभी हम एक डिलीट करवा के और देख लेते हैं, प्रेस 2 टू पॉप, तो हमारे पास 30 डिलीट हुआ होगा क्योंकि वो 30 हमारे टॉप पर था। तो अभी हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 20 10, तो 3 प्रेस किया तो देखिए आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया है, 20 10 आ गया। यहाँ पर गाइज मैंने ना गड़बड़ क्या की हुई है, आउट प्रिंट एलन नहीं लगाया है, इसीलिए ऐसा चीज़ आ रही है हमारी, कहाँ गया डिस्प्ले फंक्शन, दिस वन। मैं आपको एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखवा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि, तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से डेटा आ गया 2010। सो इन दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अभी हम लोग अगर बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जब हमने एरे की कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी तो एक बार हम उसी पेज पर पहुँच जाते हैं। तो पुश अगेन क्या होगा हमारे पास, बेस्ट केस की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ लिंक लिस्ट है ये, और ये था हमारे पास एरे के केस में, ठीक है। तो बेस्ट केस क्या होगा, पुश आपको क्या करना है, क्योंकि टॉप पर ही होगा पुश तो बिग ऑफ वन टाइम लगेगा, पॉप भी क्योंकि कहाँ से होगा, फ्रॉम द बिगनिंग से ही होगा तो इसलिए बिग ऑफ वन टाइम लगेगा, और डिस्प्ले में यहाँ पर भी बिग ऑफ एन टाइम ही लगेगा क्योंकि आपको वन बाय वन एक एक नोट को ट्रैवर्स करना है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें वर्स्ट केस की, तो एरे के केस में वर्स्ट केस कब आया था पुश के केस में,
कि आपने एरे का साइज दिया है 10 और आपको 11th एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, तब यहाँ पर वर्स्ट केस आया था। बट लिंक्ड लिस्ट के केस में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमें साइज डिक्लेयर नहीं करना है, तो वर्स्ट केस में भी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ओ ऑफ एन रहेगी। ऐसे ही पॉप भी हमारे पास बिग ओ ऑफ 1 रहेगा और डिस्प्ले भी हमारे पास बिग ओ ऑफ एन रहेगा। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट का, तो लिंक्ड लिस्ट इज़ बेटर देन, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रेफरेंस में देखें तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू एरे। बट अगर आपके पास डेटा कम है तो आप कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, चाहे एरे या फिर लिंक्ड लिस्ट। बट अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो लिंक्ड लिस्ट के साथ जाना वुड बी बेटर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पॉइंटर्स को, नेक्स्ट एड्रेस आपको सेव करना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी डेटा रहता है वहाँ पर। बट अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लिंक्ड लिस्ट के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी कम होगी इन कंपैरिजन टू एरे। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक अगर आप करते हो वीडियोस को, तो उससे हमें जस्ट मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा, आपको कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, हमें और वीडियोस बनानी चाहिए। दैट्स ऑल, इसके अलावा हमें और कोई बेनिफिट इससे नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब स्टैक के एप्लीकेशंस। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड लक।